देश की हालत यह है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं, भरोसा टूट चुका है। मित्रों, अगर कोई देश, कोई समाज, कोई परिवार एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो न वो परिवार खड़ा हो सकता है, न वो समाज खड़ा हो सकता है, न ही वो देश खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका में, नवाज शरीफ को मिले, इसमें तो भरोसा करो, मिले थे। बाद में भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्शनरी में जितने ताकतवर शब्द होते हैं वो सारे शब्द खोज खोज करके देश की जनता को परोसा गया। उनका हौसला, उनकी हिम्मत, ये खबरें फैलाने की कोशिश की गई 24 घंटे से, टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में भारत सरकार की बात बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। आपने भी सुनी है ना? मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, क्या आपको भरोसा है सरकार के किसी दावे पर? भरोसा है? अंदर मिलकर के कोई बात की होगी ऐसा लगता है? मित्रों, ये संकट, भरोसा टूट चुका है मित्रों। किसी चीज पे भरोसा नहीं है। आप किसी को एसएमएस करते हो, बाद में फोन करते हो, मेरा एसएमएस मिला? क्यों? भरोसा नहीं है। बेटी घर से जाए ऑफिस में नौकरी के लिए तो मां बाद में फोन करके पूछती है, बेटी पहुंच गई? क्यों? चिंता सताती है, चिंता सताती है कहीं वो पहुंच पाएगी कि नहीं पाएगी। मित्रों, देश में एक ऐसा माहौल बना है, इंसान का इंसान पर से भरोसा टूट चुका है। देश का नौजवान कड़ी मेहनत करता है, मां बाप कष्ट उठाकर के बेटे को पढ़ाते हैं, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि पढ़ने के बाद जिंदगी ठीक से जीने का प्रबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उसका कारण यह है मित्रों कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार को यह पता नहीं है वो वहां बैठे क्यों। सच बता दूं, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, आप पूछ लीजिए।
कहीं और जगह नहीं है इसलिए वहां बैठ गए। उनके साथ जो बैठे हैं उनसे भी व्यक्तिगत मिलिए आप, उनके जो यूपीए के पार्टनर है यहां के भी है। अगर दोस्ती है, अगर आप तो व्यापारी हैं आपकी दोस्ती होगी, और आप जैसे व्यापारियों की दोस्ती रखने में उनको भी मजा आता है। तो जरा प्यार से पूछिए कैसा चल रहा है, आप खुश हैं क्या? 9 साल आपने उनके साथ बिताए, संसार कैसा चला? मैं नहीं कह रहा हूं मित्रों, वे खुद कहेंगे आपको व्यक्तिगत तौर पे कि हम तो दुखी हैं, छोड़े कब छोड़े, कैसे छोड़े। मित्रों, हिंदुस्तान ने कभी भी ऐसी अवस्था नहीं देखी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार बनने के कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पूरे विश्व के अंदर एक धमाका हुआ और नई सोच नई सरकार आने की खबर पूरी दुनिया को पता चल गया। उस एक हिम्मत भरे निर्णय का परिणाम यह हुआ कि पूरा विश्व अटल जी की बात को तवज्जो देने लगा, हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देने लगी, विश्व के बाजार में हिंदुस्तान के व्यापार की साख बढ़ने लगी, व्यापारियों की इज्जत बढ़ने लगी, भारत से हैं लोग गर्वजोशी से स्वागत करने लग गए। अरे दादा, देश में एक विश्वास पैदा हुआ कि हां 21वीं सदी में हम कुछ करके दिखाएंगे। अरे दादा, हो रहा है ना? अरे हो रहा है ना?